दोस्तों सेडान सेगमेंट इंडिया में बिल्कुल ख़त्म ही होता जा रहा है। जितने भी सेडान कार्स हैं, कॉम्पैक्ट सेडान ले लीजिए या फुल साइज सेडान ले लीजिए, लेकिन कुछ सेडान ऐसी हैं जो कि अब जो है उनकी सेल्स में इजाफा हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फरवरी 2024 के महीने में जो सबसे ज़्यादा बेची गई हैं 10 सेडान्स वो कौन सी हैं। उन सभी गाड़ियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और कितनी उनमें इम्प्रूवमेंट हुई है या फिर वो डाउन गई हैं, वो सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। और इनमें से कुछ गाड़ियों के बारे में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनमें कौन सा इंजन मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी ऑटोज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली हमारी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को हम हमेशा की तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में चलाएंगे, यानी मैं सबसे पहले आपको 10th पोजीशन की कार बताऊंगा और लास्ट में आपको बताऊंगा कि जो फर्स्ट पोजीशन पर रही है इस महीने वो कौन सी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आप कोई भी गाड़ी को मिस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों 10th पोजीशन की जो कार है वो है टोयोटा की तरफ से कैमरी। जी हाँ दोस्तों, टोयोटा कैमरी जो है वो टॉप 10 की लिस्ट में आ चुकी है। पिछले साल के मुकाबले अगर देखें तो इसमें 213% तक का इजाफा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल जो है वो सिर्फ 67 यूनिट ही बेची गई थी, लेकिन इस साल यानी इस महीने फरवरी 2024 में 210 यूनिट इस गाड़ी की बेची गई है और इसका जो प्राइस है वो है दोस्तों एक्स शोरूम 50 लाख रुपए। यानी इसकी जो एक्स शोरूम कीमत है वो है 50 लाख रुपए और ऑन रोड लाने के लिए इसमें और भी पेमेंट देनी पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ और वो है दोस्तों मारुति सुजुकी की प्रीमियम सेडान सियाज। जी हाँ दोस्तों, मारुति सुजुकी की प्रीमियम सेडान जो सियाज है उसकी टोटल इस महीने 481 यूनिट बेची गई है, जबकि पिछले साल 792 यूनिट बेची गई थी। 39.2% की इसमें कमी आई है दोस्तों, यानी इस महीने ये कम बिकी है पिछले साल के मुकाबले। सियाज भी नो डाउट एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी है और अंडररेटेड गाड़ी है। अगर आप इस गाड़ी को लेते हैं तो इसमें आपको जो रिलायबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, लेकिन क्या है कि कुछ और कॉम्पैक्ट सेडान ने इनके मार्केट को बिल्कुल ही खत्म सा कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ और वो है दोस्तों आपकी स्कोडा स्लाविया। जी हाँ दोस्तों, स्कोडा स्लाविया जो है उसकी 1028 यूनिट बेची गई हैं, जबकि पिछले साल इसी महीने में 1274 यूनिट बेची गई थी। 19.3% इसमें भी कमी आई है। तो ये भी दोस्तों आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है अगर आप एक अच्छी सेडान देख रहे हैं जिसकी सेफ्टी जो है वो काफ़ी अच्छी हो और उसमें प्रीमियमनेस भी आपको अच्छी खासी मिले, तो स्कोडा स्लाविया आपके ऑप्शन में हो सकती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली गाड़ी की तरफ और वो जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है और ये एक प्रीमियम सेडान है और वो है दोस्तों होंडा की तरफ से होंडा सिटी। जी हाँ दोस्तों, होंडा सिटी की 1184 यूनिट इस महीने बेची गई हैं, लेकिन इसमें भी कमी आई है और वो है 39.6% की, क्योंकि पिछले साल जो है वो 1963 यूनिट बेची गई थी, लेकिन इस महीने यानी फरवरी 2024 में इसकी 1184 यूनिट ही बेची गई है। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली गाड़ी की तरफ और वो है फोक्सवैगन वर्चिस। वर्टिस कह लीजिए, वर्चिस कह लीजिए, एक ही बात है, गाड़ी तो वही है। और इसकी सेल्स में कमी नहीं, इसकी सेल्स में इजाफा हुआ है दोस्तों। 4.3% से इसकी जो सेल्स है वो पिछले साल के मुकाबले बढ़ी हैं। पिछले साल 1563 यूनिट बेची गई थी, लेकिन इस साल जो है वो 1631 यूनिट बेची गई है दोस्तों। तो ये जो गाड़ी है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है इंडिया में, क्योंकि अच्छे खासे बजट में आपको बहुत ही प्रीमियम गाड़ी मिल जाती है फोक्सवैगन की तरफ से। बहुत ही अच्छी सेफ्टी और अच्छी फिट एंड फिनिश, प्रीमियमनेस आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और दोस्तों हाल फिलहाल में वर्टिस ने एक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। इसने 24 घंटे में 4654 किलोमीटर जो है वो तय करी हैं और जो एवरेज स्पीड रही है इसकी वो रही है अराउंड 194 किलोमीटर पर आवर। पूरे 24 घंटे में इसने 4654 किलोमीटर जो है वो तय करी हैं और जो गाड़ी यूज़ की गई थी इसके लिए वो थी इसका 1.5 लीटर जीटी वर्जन या जीटी वेरिएंट। ठीक है, तो ये एक रिकॉर्ड जो है वो वर्टिस ने हाल फिलहाल में अपने नाम किया है। अब बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ और वो है 5th पोजीशन की कार आपकी ह्यूंडई वर्ना। और ह्यूंडई वर्ना में जो इजाफा हुआ है वो बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुआ है पिछले साल के मुकाबले। 3474.4% तक इसमें इजाफा हुआ है। पिछले साल इसकी जो यूनिट थी वो बेची गई थी सिर्फ और सिर्फ 47, लेकिन इस साल जो है वो 1680 यानी 1680 यूनिट जो है वो इस साल बेची गई हैं इस महीने, यानी फरवरी में इसने अच्छी सेल की है कंपैरेटिवली पिछले साल के। तो दोस्तों ये हो गई आपकी सभी सेडान्स, प्रीमियम सेडान मैं कह सकता हूँ, लेकिन अब जो गाड़ियाँ आने वाली हैं वो हैं आपकी लगभग सभी कॉम्पैक्ट सेडान होने वाली हैं। तो सबसे पहली 4th पोजीशन की जो गाड़ी है वो है टाटा की तरफ से टाटा टिगोर। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इस बजट में और टाटा टिगोर की 1712 यूनिट इस महीने बेची गई है, पिछले साल के मुकाबले लगभग 50% ये कम हो चुकी हैं।
पिछले साल जो है वो 3064 यूनिट बेची गई थी। 44.1% तक इसकी सेल्स जो है वो कम हो चुकी हैं इस साल। टाटा टिगोर में भी आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है, चाहे आप पेट्रोल में ले रहे हो या सीएनजी में, और ये ईवी में भी आपको मिल जाती है। और हाल फिलहाल में टाटा ने क्या किया है कि सभी गाड़ियों में जो सीएनजी है उनमें सभी में ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी दे दी है, और खास करके इस इंजन में आपको सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी दे दिया गया है, जिसकी वजह से जो है वो गाड़ियां काफी अच्छी बिक रही हैं इसकी। लेकिन इस सेगमेंट में टिगोर जो है वो काफी स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में या इसके राइवल्स जो हैं वो ज्यादा गाड़ियां बेच रहे हैं। जैसे अगली गाड़ी है थर्ड पोजीशन की, वो है होंडा अमेज। जी हाँ दोस्तों, होंडा अमेज भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और लोगों के द्वारा काफी पसंद की जाती है ये गाड़ी, लेकिन इसकी भी 32.7% तक जो सेल्स है वो कम हुई है इस साल। पिछले साल 4123 यूनिट बेची गई थी, लेकिन इस साल 2774 यूनिट ही बेची गई है। तो ये गाड़ी जो है वो काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी इसकी सेल्स जो है वो खाई जा रही है। कौन सी गाड़ी? अगली दो गाड़ियां जो है वो इन सभी को दबाए हुए हैं, और वो है दोस्तों सेकंड पोजीशन की कार आपकी ह्यूंडई ओरा। जी हाँ दोस्तों, ह्यूंडई ओरा की टोटल 5053 यूनिट इस महीने बेची गई हैं, और पिछले साल की अगर बात करें तो 5524 यूनिट बेची गई थी। मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है जितने की दूसरी गाड़ियों का है। 8.5% से इसकी सेल्स जो वो कम हुई है। चलिए अब बढ़ते हैं नंबर वन कार की तरफ। इसकी भी सेल्स थोड़ी सी कम जरूर हुई है, लेकिन ये टॉप पर बैठी है इस लिस्ट में। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे, वो है मारुति की तरफ से मारुति डिजायर। जी हाँ दोस्तों, मारुति डिजायर की 15837 यूनिट इस महीने बेची गई हैं, और 2023 की बात करूं इस महीने की, यानी फरवरी 2023 में 16798 यूनिट बेची गई थी। 5.7% से इसकी सेल्स जो वो कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी 15837 यूनिट बेची गई हैं। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं टॉप 10 सेलिंग कार्स की लिस्ट में, ये गाड़ी जो वो हमेशा बनी रहती है, क्योंकि ये किफायती इतनी है और आपको इसमें कंफर्ट लेवल जो है वो बिल्कुल एडवांस लेवल मिलता है। इंजन भी काफी रिफाइन कर दिया है कंपनी ने, और बहुत ही तगड़ा साइलेंट इंजन इसमें आपको मिलता है। माइलेज के मामले में बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, चाहे आप सीएनजी में ले लीजिए या पेट्रोल में ले लीजिए। और ये दोस्तों ऐसी गाड़ी है कि प्रीमियम सेडान्स को भी रिप्लेस किया है इसने, इसी वजह से इसकी सेल्स जो काफी अच्छी हो रही है। तो दोस्तों, अगर आपने टॉप 10 सेलिंग कार्स की लिस्ट नहीं देखी है फरवरी 2024 के महीने की, तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, वहां से जाके देख सकते हैं कि कौन सी गाड़ियां जो हैं वो टॉप 10 रही हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये जो डेटा है ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी अपनी फैमिली के लिए पर्सनल यूज के लिए एक सेडान लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, वो भी इससे आइडिया लगा पाएंगे कि अगर हमें सेडान लेनी है तो कौन सी गाड़ी की मार्केट किस हिसाब से चल रही है, कौन सी गाड़ी कहाँ स्टैंड आउट करती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ गुड डे।